हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। सरकारी बैंक राष्ट्र की संपत्ति है, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आम जनता विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की जनता का सीधा जुड़ाव और लगाव सरकारी बैंकों के साथ है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक उन्नति में सरकारी बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान है। आज देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 28,000 से भी अधिक बैंकों की शाखाएं निरंतर सरकारी योजनाओं को विभिन्न स्तर पर लागू करने में सही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज सरकार बैंकों के निजीकरण की तरफ कदम बढ़ा रही है, जबकि निजी बैंक सिर्फ अपने लाभ के लिए कार्य करती है। उन्हें देश की सामाजिक योजनाओं को लागू करने में कोई रुचि नहीं होती है। आज सबसे बड़ी जरूरत है सरकारी बैंकों को निजी हाथों में जाने से बचाने की। बैंक बचेंगे तो देश बचेगा, उक्त विचार पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के अखिल भारतीय महासचिव श्री दिलीप शाह ने इंदौर में आयोजित पत्रकार वार्ता में व्यक्त किए। आप एसोसिएशन की इंदौर इकाई के त्रिवार्षिक सम्मेलन में भाग लेने इंदौर आए हैं। कार्यक्रम में 300 से अधिक अधिकारी सदस्य उपस्थित रहे। बैंकिंग इंडस्ट्री के अखिल भारतीय स्तर के महत्वपूर्ण पदाधिकारी दिलीप शाह ने सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर किए जा रहे प्रयासों की घोर निंदा की और कहा कि सरकार के इस प्रयास का हम पुरजोर विरोध करते हैं। सरकारी बैंकों में कार्यरत समस्त कर्मचारी इसके खिलाफ एकजुट हैं। बैंक बचाओ देश बचाओ के नारे के साथ निजीकरण का विरोध करते हुए इसके खिलाफ जनमत तैयार किया जा रहा है। आज तक देश में जो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति हुई है, उसमें सरकारी बैंकों की भी अग्रणी भूमिका रही है, जिसने देश की तरक्की को रास्ते पर आगे बढ़ाया है। लेकिन वर्तमान सरकार बैंकों की भूमिका को सिरे से नकारना चाहती है। श्री दिलीप शाह ने कहा कि सरकारी बैंकों की शाखाओं का विस्तार से देश में युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध हो सकता है, जो वर्तमान में चल रही बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में सहायक होगा। आज हालात यह है कि सरकारी बैंकों में पिछले 10 वर्षों से भी नई भर्तियां बंद है, जबकि इस दौरान हजारों की संख्या में कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं, जिससे बैंकों में कार्यभार बढ़ा है, जिसका असर बैंकिंग सेवाओं पर पड़ रहा है। आज जितनी भी सरकारी योजनाएं उसे बैंक पूरी शिद्दत के साथ लागू कर रहे हैं, चाहे जनधन योजना हो, मुद्रा योजना हो, फसल बीमा या स्ट्रीट वेंडर योजना। बैंक कर्मचारियों ने मेहनत ईमानदारी से इसे लागू किया है। कोरोना के कठिन समय में बैंक चालू रखी गई थी और कर्मचारियों ने इस दौरान भी अपनी जान की परवाह किए बगैर काम किया। सरकार बैंक निजीकरण के आत्मघाती राह पर चलने का प्रयत्न कर रही है, जिसका खामियाजा सारे देश को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए सारे बैंक कर्मचारी संगठन एकजुट होकर इसका विरोध कर रहे हैं। पत्रकार वार्ता में इंदौर इकाई के अध्यक्ष राजू माखीजानी, सचिव दीपचंद जैन और भोपाल अंचल के विभिन्न सर्कल के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। सर बताएं, सर आज किस प्रकार की कॉन्फ्रेंस यहाँ पे आयोजित की गई है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य था आज यह कार्यक्रम का? एक तो हमारे इंदौर सर्कल का एक लीडरशिप में इलेक्शन हुआ है, उसके हर 3 साल में हम एक कॉन्फ्रेंस करते हैं हर सर्कल में। आज देश में हमारा पंजाब नेशनल बैंक का 149 सर्कल्स है एंड उसमें से इंदौर एक है जो मध्य प्रदेश जोनल ऑफिस के अंडर पे आते हैं। या आज हमारा बैंक के अंदर क्या कमियां हैं, उसमें कैसे इम्प्रूव किया जाए, कस्टमर सर्विस को कैसे इम्प्रूव किया जाए, चैलेंजेस क्या है और गवर्नमेंट के पॉलिसी के ऊपर हमें आगे क्या करना है, ये हम हमारे मेंबर्स को सेंसिटाइज करेंगे। आज आप अगर देखेंगे कि देश का जो भी परिस्थिति है, इकोनॉमिक परिस्थिति अच्छा है ये तो कोई कह नहीं सकता है, पर इसके पहले मैं जो भी इसमें टिप्पणी करूँ, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन एक आई बॉक्स से एफिलिएटेड है, जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ऑल बैंक्स मिला के, एंड आई बॉक्स का एकमात्र ट्रेड यूनियन है जो ए पॉलिटिकल है, मतलब हम कोई पॉलिटिकल पार्टी की एफिलिएट नहीं है। बाकी बैंकिंग इंडस्ट्री में या सेंट्रल ट्रेड यूनियंस सभी किसी ना किसी पार्टी के एफिलिएशन रहता है, तो हमारा एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमें आज दिखाई दे रहा है कि जो तरीका से गवर्नमेंट पॉलिसी बदल कर रही है, ये सभी कुछ घूम फिर के कॉरपोरेट के फेवर में जा रहा है। देश में जितने सारे एस्टेब्लिशमेंट्स बने थे, बड़े बड़े संस्था बने थे, कई कई तो नवरत्न के अंडर पे आते थे, जैसे कि BPCL एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसको प्राइवेटाइज कर दिया गया है, IDBI बैंक को LIC के थ्रू प्राइवेटाइज कर रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मतलब एक सब प्रॉफिट की भंडार है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का शेयर होल्डिंग, गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग ONGC को बेच दिया, ONGC कल उसको डाइल्यूट कर देगा। इस तरीका से देश का रेलवे ट्रैक, ट्रेन लाइन, गैस पाइप लाइन, दुनिया भर के सब प्राइवेट सेक्टर के पास जा रहा है। तो हम क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हर चीज़ इकोनॉमिक पॉलिसी के इफेक्ट करता है। अब उन्होंने जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में
उसमें कई सारे जगह पे वो प्राइवेटाइज का घोषणा कर दी है। उन्होंने दो जो बैंक को प्राइवेटाइज कर देंगे ऐसा बजट में कहा था, और आगे मतलब ये रास्ता खुल जाएगा। और लोगों ने पूछते हैं कि साधारण लोगों के ने पूछते हैं कि भाई क्या फर्क पड़ता है, हमारा अकाउंट तो वैसा ही रहेगा। तो बोला ऐसा नहीं रहेगा। अगर आप देखेंगे कि नेशनलाइजेशन किया क्यों था 1969 में, इंडिपेंडेंस से लेकर 1969 तक 400 से अधिक प्राइवेट बैंक्स डूबा था और इसको नेशनलाइज कर दिया गया। और उसके बाद जब इंडिया का पॉपुलेशन इतना गरीबी में था, इकोनॉमिक पॉलिसी खराब था, अब तब गेहूं बाहर से आता था तभी जाके हम लोग खाते थे। तो ये जो कुछ चेंजेस आया है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन एंड वाइट रिवॉल्यूशन मींस मिल्क, इस पे आपको याद होगा 40 साल पहले तो लाइन लगाना पड़ता था दो बोतल मिल्क के लिए। ये सब हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया पब्लिक सेक्टर बैंकों ने। तब का जो स्मॉल इंडस्ट्री था, SSI बोलते थे, उसको फाइनेंस करने का पॉलिसी बनाया, उसको हम फाइनेंस करते थे। आज कई सारे वैसा इंडस्ट्री बड़े कॉरपोरेट हाउस बन गए हैं। तो देश का जो तरक्की हुआ इकोनॉमिक सिचुएशन में, हम लोगों का काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। लेकिन आज क्या होता है कि कभी भी किसी को पहले बदनाम करो उसके बाद ख़त्म करो, तो बदनाम के रास्ता चल रहा है। आपको पता होगा कि QR 2014-15-16 में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाया था जिसके कारण RBI का दिया हुआ रिस्ट्रक्चरिंग लोन को NPA करने का था, तो NPA एक बार बढ़ गया था और 2-3 साल उसके इफेक्ट खराब रहा। उसके बाद वापस दोबारा बैंकों ने प्रॉफिट में आ गया, गवर्नमेंट को डिविडेंड दे रहा है, पहले भी देते आया है। तो इसको सब प्राइवेटाइज करने का मतलब है कॉरपोरेट के हाथ में और पावर देना है, बैंकिंग सेक्टर और तकलीफ में आ जाएगा। साधारण लोग, आज आप रेड बेल्ट में जाइए तो पूरे बैंकों का ही ब्रांच शाखा दिखेगा जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स है। तो जनधन 96% अकाउंट्स पब्लिक सेक्टर बैंकों ने खोली, प्राइवेट सेक्टर बैंक ने 4% खोली है। तो अगर ये बैंक नेशनलाइजेशन होता है ना के खाली ये कॉरपोरेट के हाथ पे जाएगा, हमारे जो पिछड़े वर्ग है, जो हमारे SC है, ST है, OBC है, इसका कोटा भी ख़त्म हो जाएगा रिक्रूटमेंट की। तो मतलब ये किस तरीका से हेल्प हो रहा है। और अभी भी आप देखिए, ये पिछले 4 साल से जो मर्जर करते जा रहा है, 5 साल से SBI में हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, उसके बाद ये बड़ा मेगा मर्जर हुआ, इस पीरियड में भी अगर कोई बैंक डूबने की नाम आता है, प्रॉब्लम चल रहा है नाम आता है, तो वो प्राइवेट सेक्टर का नाम आता है, YES BANK का नाम आता है। इसके पहले ग्लोबल ट्रस्ट बैंक ख़त्म हुआ था, वो भी एक नेशनलाइज्ड बैंक OBC में मर्ज हुआ था। तो हिस्ट्री भी अगर आप छानेंगे तो देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक आज भी डूब रहा है। तो ये कॉन्फ्रेंस में सब चर्चा होगी कि लोगों को हमें आगे लड़ाई करनी है, ये लड़ाई के लिए तैयारी करना है। हमारा स्ट्राइक, डेमोन्स्ट्रेशन, बहुत सारे चीज़ हम कर रहे हैं, लेकिन उसको हम और ऊपर ले जाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, साधारण लोगों तक हम बताना चाहते हैं कि क्या क्या नुकसान आपको हो सकता है बैंक से। अगला कदम क्या रहेगा? अभी हमने रिसेंटली जंतर मंतर में एक बड़ा प्रदर्शन किया है, और आगे इसके पहले हमने मुंबई से बस जर्नी और कलकत्ता से बस जर्नी करके दिल्ली, हर स्टेट को, अभी हम हर स्टेट में IBOC लेवल से हम इसके प्रचार बढ़ाया है, सोशल मीडिया में हम कर रहे हैं, फेसबुक में एंड ट्विटर में, और पब्लिक को हम साथ में लेना चाहते हैं, तब जाके गवर्नमेंट का ऊपर प्रेशर बनेगा। और आगे का दिनों में अगर हमें इंडेफिनिट स्ट्राइक करनी पड़ी तो भी हम करेंगे बैंक प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ।